सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का ऑर्डर किसने दिया? रोहित गोदारा ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है, लेकिन उसके ऊपर कौन था? गोदारा किसका गुर्गा है? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या क्या पंजाब से भी कनेक्शन है, कनाडा से भी कनेक्शन है इसका, और पाकिस्तान से भी क्या इसका कनेक्शन है? करनी सेना के चीफ को मारने के लिए AK-47 भी जयपुर आ चुकी थी, तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? दोनों शूटर्स ने घर में घुसकर मारने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? इसके अलावा भी कई हैरान करने वाले सवाल हैं, जवाब इस रिपोर्ट में है। अठारह महीने पहले सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश रची गई। नौ महीने पहले राजस्थान पुलिस को खुफिया इनपुट मिल गया। फिर राजस्थान पुलिस ने क्यों नहीं बढ़ाई सुखदेव सिंह की सुरक्षा? क्या राजस्थान पुलिस की लापरवाही से हुई सुखदेव सिंह की हत्या? राजस्थान पुलिस के पास पंजाब पुलिस का सीक्रेट नोट था। नौ महीने पहले ही राजस्थान के DGP को पता चल गया था कि सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश रची जा रही है। सुखदेव सिंह ने अशोक गहलोत और DGP को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान पुलिस चुप रही। करने की तो तुम्हारी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर अंदर करने की और मुझे जिंदा रखने की हिम्मत होती तो जब आप लोगों के पास इनपुट है, IB के पास है, CBCID के पास है, पुलिस के पास है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने के लिए दुश्मनों ने AK-47 से खरीदी है, तो फिर आप क्यों सुरक्षा नहीं दे रहे? राजस्थान में मैं ITI लगा रहा हूँ, कितने लोगों को सुरक्षा दे रखी आपने जिनको जरूरत ही नहीं है? हमारे भाई जो उदयपुर के अंदर गला रेत करके जिसको यहाँ लाल कर दिया गया था, मार दिया गया था, उसको पकड़वाने वाले चुंडा उत्पन्दुओं के लिए आपने कहा नौकरी देंगे, क्या हुआ आपका? मावंडा के अंदर शिवाना में माँ बेटा की हत्या हो गई, विधानसभा में क्यों सुन उठवा दिया गया? हमारे वहाँ की जिला टीम दो बार प्रदर्शन कर दिया, अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। क्या सुखदेव सिंह की मांग कर रहे हैं वहाँ SP साहब और कलेक्टर साहब कि सुखदेव सिंह या लाखों लोगों के लेकर के आए और फिर उन मुलजिमों को गिरफ्तार करे? कोई छोटी मोटी बात मुंह से निकल जाती है, एक मिनट में मुकदमा हो जाता है। भारत के अंदर जिनके ऊपर 44 FIR पेंडिंग पड़ी है, उनकी कोई बात नहीं करता। मैं खुद जाकर के आया हूँ और मैंने IB वालों को भी कहा है कि प्रतापगढ़, डूंगरगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा नक्सलाइट एरिया से टर्निंग ले लेकर के वहाँ युवा आ गए और पुलिस के पास हथियार नहीं है ना, उससे ज्यादा हथियार उनके पास हो गए। कहाँ रची गई सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश? किसने बनाया था सुखदेव सिंह के मर्डर का प्लान? आखिर क्यों अपराधियों ने की सुखदेव सिंह की हत्या? इन सभी सवालों का जवाब बताइए पहले उन शूटर्स के बारे में जान लीजिए जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक शूटर का नाम नितिन फौजी है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। नितिन फौजी अलवर में 19 जाट रेजिमेंट में तैनात था। साल 2019 में नितिन सेना में भर्ती हुआ था। नितिन ने 8 नवंबर को 2 दिनों की छुट्टी ली और फिर कभी अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आया। 10 नवंबर को महेंद्रगढ़ के सदर में प्रताप उर्फ गोविंद शर्मा के अपहरण की कोशिश की गई। पुलिस ने कुलदीप राठी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन नितिन फौजी वहां से भागने। सुखदेव मर्डर केस से पहले नितिन के खिलाफ सिर्फ यही एक केस दर्ज है। वहीं मर्डर केस में शामिल दूसरा अपराधी है रोहित राठौर, वो राजस्थान के मकराना का रहने वाला है। रोहित राठौर पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार हुआ था। जेल जाने के बाद रोहित कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आया, बाद में रोहित राठौर गोधरा गैंग में शामिल हो गया। सुखदेव मर्डर में शामिल नितिन और रोहित सिर्फ मोहरे हैं, इसका मास्टरमाइंड तो लॉरेंस बिश्नोई था। सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश नई नहीं है, सालों से इसके लिए प्लान बनाया जा रहा था।
लेकिन 2019 में गैंगस्टर संपत नेहरा हैदराबाद में हरियाणा एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया और मर्डर की ये साजिश होल्ड हो गई। फिर करीब 18 महीने पहले जब लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान की जेल में बंद था, तब उसने एक बार फिर सुखदेव सिंह की हत्या की जिम्मेदारी संपत नेहरा को सौंपी। उस समय संपत बठिंडा जेल में था, इसीलिए उसने राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदरा को इस वारदात को अंजाम देने का टास्क दिया। इसके लिए संपत ने बकायदा AK-47 का भी इंतजाम कराया, लेकिन इस साजिश की भनक पंजाब पुलिस को लग गई। नौ महीने पहले पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को एक सीक्रेट नोट भेजा। राजस्थान के डीजीपी को भेजे गए इस नोट में सुखदेव सिंह के खिलाफ रची जा रही साजिश की जानकारी दी गई। एक खुफिया लेटर पंजाब पुलिस ने 14 फरवरी को भेजा था। लेटर में साफ लिखा था कि हत्या के लिए संपत ने AK-47 का इंतजाम भी कराया है। पंजाब पुलिस की इनपुट की जांच के बाद राजस्थान की ATS ने 14 मार्च को राजस्थान के ADGP को लेटर लिखा। ADGP को लिखे लेटर में सुखदेव सिंह की हत्या की साजिश की बात कही गई। इस साल मार्च से ही सुखदेव सिंह की रेकी की जा रही थी, लेकिन गोगामेड़ी के लाव लश्कर को भेदना बदमाशों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। आखिरकार मंगलवार को उन्हीं के घर में घुसकर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। सुखदेव सिंह को संपत नेहरा ने पहले भी धमकी दी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी। यानी अगर पंजाब पुलिस के इनपुट पर राजस्थान पुलिस एक्शन लेती तो सुखदेव सिंह की जान बच सकती थी। डीजी को 9/3/2023 को अगर इनपुट आ गया था बठिंडा जेल से, तो डीजी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? मिली भगत है, ये क्या है, सांठगांठ है, काका लगता है वो जो मारने वाले हैं। डीजी पे कार्रवाई हो, डीजी को निलंबित की जाए। उस टाइम गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास था, उस पर कार्रवाई की जाए। जिस सरकार को मालूम हो, जिस सरकार के मुखिया को मालूम हो, सीएम खुद गृह मंत्रालय का मुखिया था, उसको मालूम हो, उनके पास इनपुट आया हुआ है, बार बार इनपुट आया, एक बार नहीं आया, बार बार इनपुट आया बठिंडा जेल से कि AK-47 कहीं ना कहीं उपलब्ध करवाने की बात चल रही है और कहीं ना कहीं उसको मारने के लिए बकायदा हर दिन साजिश रची जा रही है वहां बैठ के। 9/3/2023 हमें तारीखें याद है, बठिंडा जेल से इनपुट की सीक्रेट लिखा हुआ ऊपर, वो अगर आउट हुआ है, लीक हुआ है, तो कोई ना कोई तो होगा ही, तथ्य तभी तो हुआ है। और अगर वो हुआ है तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई, आप पूछिए उनको। वो जाके केवल श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं गलत हुआ है, तो आपके राज्य में, आपके आपके शासनकाल में तो ये रची गई थी साजिश, क्यों नहीं आपने उसको उस पर एक्शन लिया? 3 साल से दर बदर भटक रहे थे सुखदेव सिंह कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तो क्यों नहीं दिया गया? ये तो साफ हो गया कि किसने सुखदेव मर्डर की साजिश रची, और इनपुट के बावजूद राजस्थान पुलिस ने लापरवाही बरती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुखदेव सिंह लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर क्यों थे? आखिर उनकी लॉरेंस बिश्नोई से क्या दुश्मनी थी? दरअसल सुखदेव सिंह 2006 से ही करणी सेना के साथ जुड़े थे। 2015 में लोकेंद्र सिंह कालवी से मतभेद के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनाई। करणी सेना से अलग होने के बाद सुखदेव सिंह का प्रभाव तेजी से राजपूत समाज में बढ़ने लगा। खासतौर पर पद्मावत फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने के बाद उनका कद काफी बढ़ गया। इन्हीं घटनाओं के बाद वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आ गए। इसके अलावा रोहित गोदरा ने अपनी पोस्ट में सुखदेव सिंह पर दुश्मनों के साथ मिले होने का आरोप लगाया था। गोदरा के मुताबिक सुखदेव उसके दुश्मनों को मजबूत करता था। देखिए, ऐसा है, राजपूत समाज के जीते भी कद्दावर कोई मुखिया है, नेता है, उनको इसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उनको मारने की साजिश है, या कहीं उनको खत्म करने की साजिश है, पॉलिटिकली मार दिया जाए, खुद को सीधा मार दिया जाए, ये चल रहा है। पिछली सरकार में इस तरह के खूब सारे लोग थे। सुखदेव सिंह मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई के साथ सबसे ज्यादा चर्चा जिस गैंगस्टर की हो रही है, वो है रोहित गोदारा। रोहित बीकानेर के लूणकरण का रहने वाला है। उसके ऊपर गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। गोदारा ने 19 साल की उम्र में 2010 में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उस समय राजस्थान में बड़े नाम थे, जिनमें आनंद पाल गैंग, राजू ठेहट गैंग अपना दबदबा कायम कर चुके थे। जेल में गोदारा की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। इसके बाद वो बिश्नोई का खास बन गया। रोहित गोदारा चूरू में एक हत्या के मामले में साल 2019 से जेल में कैद था। साल 2022 में उसकी जमानत हुई थी और मई में वो बीकानेर के जयपुर जोधपुर बाईपास से फरार हो गया।
गोदारा 13 जून 2022 को दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। फर्जी पासपोर्ट में उसने अपना नाम पवन कुमार लिखवाया था, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। वहीं राजस्थान के सीकर में 2022 में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या कर दी गई। रोहित गोदारा ने ही राजू की हत्या की जिम्मेदारी ली। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी रोहित गोदारा का नाम लॉजिस्टिक सपोर्ट देने में आया था। कुछ महीने पहले गोदारा ने अपने दुबई के नंबर से गोगा मेडी को धमकी भी दी थी। माना जा रहा है कि रोहित गोदारा फिलहाल कनाडा या अमेरिका में मौजूद हो सकता है। रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। नितिन फौजी और रोहित राठौर ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इस मर्डर का मास्टरमाइंड जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई है। वो जेल में रहते हुए भी अपने गुर्गों की मदद से इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हत्या के प्रयास की दर्ज की गई थी। उसके बाद तो उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होते ही चले गए। फिलहाल लॉरेंस पर हत्या की कोशिश, हमला, जबरन वसूली और डकैती सहित 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। 2014 में लॉरेंस पहली बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन मोहाली से वो फरार हो गया। 2016 में पुलिस ने उसे दूसरी बार गिरफ्तार किया, तब से वो जेल में ही है। लॉरेंस के गैंग में करीब 1000 से अधिक शार्प शूटर हैं, जो उसके इशारे पर वारदातों को अंजाम देते हैं। लॉरेंस पहली बार चर्चा में 2018 में आया, जब काले हिरण के शिकार मामले में उसने अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी जिम्मेदारी उसी के गैंग ने ली।